तुम्हारी जुबान एक ही दुआ बार बार दोहराने से नहीं थक रही। ये कबूलियत की निशानी नहीं तो और क्या है? दिल को एक उम्मीद के हाँ अल्लाह जरूर सुनेगा, ये कबूलियत की निशानी नहीं तो और क्या है? मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगो। जहां इंसान का हौसला खत्म होता है वहां से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। अल्लाह के देने में देर नहीं, तुम्हें मांगने में जल्दी है, इसलिए तुम बार बार उम्मीद हार देते हो। तो फिर सब्र करो और उस पर से यकीन नहीं उठने दो, जख्मों में मरहम भी वो बहुत जल्द भर देगा। शैतान हमेशा तुम्हें तुम्हारे डर से डराता है, वो तब तुम्हारे सहन में वसवसे डालता है जब तुम मौजों के सबसे ज्यादा करीब होते हो, क्योंकि तब अल्लाह तुमसे राजी हो चुका होता है और जो अल्लाह को पसंद आ जाता है वो उसे पसंद नहीं आता। इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त अल्लाह है, बहुत जल्दी मान जाता है, पुरानी बातें याद नहीं करवाता और अपने दर से कभी मायूस नहीं लौटाता। सुलझ जाए अगर तो हम कभी खुदा तक ना पहुंच पाए, तभी कुन की डोर को नसीब की डोर से उलझाया जाता है। वो जानता है हर हंसी में छुपे हुए उस दर्द को, मगर उसे पसंद है जब उसका नाम पुकार कर उसे सब बताया जाता है। अल्लाह से मांगो, फिर मांगो, मांगते रहो, वो देगा, वो ही देगा, क्योंकि वो ही दे सकता है। कबूलियत के लिए निशानी ढूंढ रहे हो, इससे वाज़ह निशानी और क्या होगी कि अल्लाह अब तक तुम्हारा दिल दुआओं में लगाए हुए है। वो एक लम्हा जब दर्द की शिद्दत दिल को सजदे में झुका दे और हर आस उम्मीद बस अल्लाह से लगा दे। नसीब के प्यारे होते हैं वो जिन्हें अल्लाह खुद अपनी तलब में लगा दे। ये जिंदगी का दस्तूर है, दुख वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात सोया नहीं जाता। हर दुश्वारी के बाद आसानी है और हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर है। नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब कहाँ और कैसे ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अल्लाह पाक ने ये कभी नहीं कहा कि जिंदगी आसान होगी, मगर ये वादा जरूर किया है कि वो सब्र करने वालों के साथ है। ये कठिन वक्त तो बस वक्ती है, आजमाइश जब अल्लाह ने दी है तो उससे निकालेगा भी वही, तुम बस उस पर यकीन रखना। एक दिन तुम अपनी दुआओं को जियोगे और फिर तुम कहोगे कि कितना मुश्किल समझता था मैं इसे पाना, जिसको आज मैंने पा लिया है। फिर तुम ये सोच कर शुक्र करोगे कि तुमने अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ा। अगर छोड़ देते तो क्या अंजाम होता, अगर छोड़ देते तो क्या देख पाते ये मौजज़ा। वो फरमाता है शुक्र करो हर हासिल और ला हासिल पर। मैं शुक्र करने वालों को उनके गुमान से भी ज्यादा देता हूं।